बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेडीज एंड जेंटलमैन, एसक्यूएल लेक्चर नंबर 3 पार्ट 1 में आप सबका खुशामदीद। आज हमने पढ़ना है कि एसक्यूएल सेलेक्ट कमांड को इस्तेमाल करते हुए हमने टेबल से रो को कैसे फिल्टर करना है या टेबल से रोज को कैसे सेलेक्ट करना है। आज के लेक्चर में हमने रो फिल्टरिंग सीखनी है, फिल्टर कैसे बनाए जाते हैं, फिल्टर काम कैसे करते हैं इसको पढ़ना है। रो फिल्टरिंग को या रो सिलेक्शन को रिलेशनल अलजेब्रा में सिलेक्शन ऑपरेशन भी कहा जाता है। आईएसओ के मुताबिक सर्च कंडीशन या सिलेक्शन ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हमें कोई सर्च कंडीशंस डिफाइन करनी पड़ती है या फिल्टर्स बनाने पड़ते हैं। तो वो डिफरेंट टाइप्स के फिल्टर क्या हैं और वो किस आगे काम करते हैं। पहले फिल्टर है कंपेरिजन सर्च। कंपेरिजन सर्च न्यूमेरिकल स्ट्रिंग या डेट वैल्यूज को दूसरी वैल्यूज के साथ कंपेयर करने से बनाया जाता है। और रेंज सर्च किस चीज़ को बोलते हैं कि आप रेंज ऑफ वैल्यू के साथ अगर आप किसी चीज़ को सर्च करना चाहते हैं। सेट मेंबरशिप सर्च कि आप सेट ऑफ वैल्यू के साथ किसी कॉलम की वैल्यू को कंपेयर करके या उसकी वैल्यू को उसमें साथ सर्च करके बनाया जाता है। पैटर्न मैचिंग कहते हैं कि जब आप कोई भी स्ट्रिंग में से डेटा को फाइंड आउट करते हैं तो उसमें हम कोई पैटर्न वाला रहते हैं जो स्ट्रिंग पैटर्न के मुताबिक मौजूद होती है तो हम उसको रिट्रीव कर लेते हैं, बाकी इग्नोर कर लेते हैं। नल सर्च ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि हम कॉलम में से नल की वैल्यू को देखते हैं, तो जहाँ पर नल की वैल्यू होती है हम उसको रिट्रीव कर लेते हैं, उसके बेसिस पे रोज को रिट्रीव करते हैं। रिकॉर्ड को फिल्टर करने के लिए सेलेक्ट कमांड में हम वी आर क्लास इस्तेमाल करते हैं। वी आर क्लास हमेशा फ्रॉम के बाद ही आती है, फ्रॉम के बाद हमेशा पहली क्लास इस्तेमाल होती है, उसको हम वी आर क्लास बोलते हैं। वी आर क्लास में वी आर कीवर्ड के बाद हम कंडीशन इस्तेमाल करते हैं, एक या एक से ज़्यादा कंडीशन। एक्चुअली वो फिल्टर होता है, इसको हम बूलियन एक्सप्रेशन बोलते हैं, और जिस कंडीशन का रिजल्ट हमेशा या ट्रू होता है या फॉल्स आएगा। एक यूनिट जब चलती है तो टेबल के वो रिकॉर्ड जो इस कंडीशन को ट्रू करते हैं उसको रिजल्ट्स में हम कंसीडर करते हैं, और जो इस कंडीशन को फेल करते हैं वो कहते हैं फॉल्स हो जाते हैं उसके लिए, तो उसको हम फिल्टर कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि रोल फिल्टरिंग किस तरह होते हैं। सपोज हमारे पास एक टेबल है स्टाफ का, जिसमें स्टाफ नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पोजीशन, उसका जेंडर, उसकी डेट ऑफ बर्थ, की सैलरी और वो किस ब्रांच में काम करते हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है। अब हमारे पास लेट्स सपोज क्वेरी है कि हमें वो स्टाफ मेंबर चाहिए जिनकी सैलरी 10,000 से ज्यादा है। तो जिनकी सैलरी 10,000 से नीचे है वो हम नहीं लेना चाहते हैं। तो अब ये फिल्टर आपने बना लिया, एक कंडीशन बना लिया, सैलरी ग्रेटर देन 10,000। अब इसमें सैलरी कंपेरिजन कॉलम है, ग्रेटर देन कंपेरिजन ऑपरेटर है और 10,000 कंपेरिजन वैल्यू है। सैलरी के कॉलम में आप जाते हैं वन बाई वन, आप क्या कहते हैं रिकॉर्ड्स को, जैसे पहले रिकॉर्ड में 30,000 है तो यहाँ पर इस रिकॉर्ड के लिए क्या होगा, इस रिकॉर्ड में जाएगा 30,000, सैलरी की जगह लिखा जाएगा 30,000 इज ग्रेटर देन 10,000। यस इट इज ट्रू, इसका रिजल्ट ट्रू है। तो ये किस में आ जाएगा, ये इसमें आ जाएगा उसमें, इसको कहते हैं कि ये रिजल्ट में आ जाएगा, रिजल्ट टेबल में। दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरे रो पे चला जाएगा, दूसरा रो हमारे पास है 12,000। सो 12,000 इज ग्रेटर देन 10,000, अगेन कंडीशन का रिजल्ट ट्रू आता है, इस रिकॉर्ड को कंसीडर किया जाएगा। 18,000 भी 10,000 से ज्यादा है, उसको भी क्या किया जाएगा, कंसीडर किया जाएगा। अगेन 9,000 जो है वो 10,000 से कम है, तो वो क्या हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, उसको इग्नोर हो जाएगा। 24,000 जो है वो कंडीशन 10,000 से ज्यादा है, वो भी ट्रू हो जाएगी, उसको कंसीडर किया जाएगा। अगेन 9,000 कम, सो यहाँ पर आपको दो फॉल्स नजर आएंगे और चार ट्रू। सो ट्रू को कंसीडर कर दिया जाता है, फॉल्स के रिकॉर्ड्स को क्या किया जाता है, इग्नोर किया जाता है। सो देखिए तो आपको यहाँ पर इस क्यूरी का रिजल्ट इस तरह नजर आएगा, बजाय के सारे यानी कितने रिकॉर्ड कितने हैं, सिक्स सिक्स रिकॉर्ड के बजाय आपको सिर्फ फोर रिकॉर्ड नजर आएंगे उस टेबल में जो इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं। और अगर आप इसको कहते हैं सर इज लेस देन 10,000, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको दो रिकॉर्ड नजर आते हैं, क्योंकि 10,000 से दो ही रिकॉर्ड है इंप्लाई के जो आपको जो कंडीशन को फुलफिल करेंगे। अब ये सर्च कंडीशन जो थे प्रेडिकेट से सर्च कंडीशन, वो पांच किस्म थे। जैसे पहले हमने कहा कंपेरिजन, कंपेयर द वैल्यू ऑफ वन एक्सप्रेशन टू द वैल्यू ऑफ अनदर,
जिस तरह हमने किया कि सैलरी इज ग्रेटर देन 10,000, या फिर सैलरी की वैल्यू को 10,000 के साथ कंपेयर कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं कंपेरिजन। रेंज क्या कहते हैं, टेस्ट वेदर वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन फॉल्स विद इन स्पेसिफाइड रेंज ऑफ वैल्यूज, क्या एक एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है, ये कॉलम की जो वैल्यू है, वो रेंज ऑफ वैल्यू के दरमियान फॉल करती है या नहीं करती। जैसे हम कहते हैं कि मुझे वो स्टूडेंट बताएं जो कि किसी सब्जेक्ट में पास हो गए, तो लेट सपोज अगर पासिंग मार्क 50 से अबव है तो हम क्या कहते हैं, कहेंगे वियर मार्क्स इज ग्रेटर देन 50 और वियर मार्क्स बिटवीन 51 एंड 100। सेट मेंबरशिप किस चीज़ को बोलते हैं, वियर द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन इक्वल्स एनी वैल्यू इन द सेट ऑफ वैल्यू, यानी उसके पास मल्टीपल वैल्यूज हैं उनमें से किसी एक के साथ उसकी वैल्यू मैच होती है। रेंज और सेट दोनों जो है मल्टीपल वैल्यूज को, रेंज मल्टीपल यानी सेट ऑफ वैल्यूज होती हैं, इसमें रेंज में सीक्वेंस मेंटेन किया जाता है जबकि सेट पे सीक्वेंस मेंटेन नहीं किया जाता। पैटर्न किस चीज़ को बोलता है, पैटर्न मैचिंग, टेस्ट वेदर अ स्ट्रिंग मैचेस अ स्पेसिफाइड पैटर्न, कि आपका जो स्ट्रिंग है क्या जो आप यानी टेक्स्ट करेक्टर को रिट्रीव करने के लिए अगर आप कोई पैटर्न बना लेते हैं, फॉर एग्जांपल मुझे वो एम्प्लॉयज़ के नाम बताएं या दिखाएं जिनका नाम एस से स्टार्ट होता है, तो आपने पैटर्न बता दिया कि स्टार्टिंग लेटर उसका क्या होना चाहिए, एस, बाकी जो भी उसके बाद करेक्टर हो, तो स्टूडेंट वो स्टूडेंट जिनका नाम एस से स्टार्ट होता है वो इस पैटर्न को फॉलो करेंगे, बाकी इसे फॉलो नहीं करते तो उनको सिर्फ शो किया जाएगा बाकी को शो नहीं किया जाएगा। नल में क्या होता है, नल ये चेक करता है कि कॉलम की किस रो में कौन से कॉलम की वैल्यू क्या है, वो नल है। सो कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन को चलाने के लिए कंपैरेटर ऑपरेटर इस्तेमाल होते हैं, इसको रिलेशन ऑपरेटर भी कहा जाता है। इक्वल्स यानी दो वैल्यूज आपस में इक्वल है या नहीं, नॉट इक्वल, इस तरह भी आईएसओ के मुताबिक इस तरह लिखा जाता है और बाकी डायलेक्ट्स के मुताबिक वो एक्सक्लेमेशन मार और इक्वल साइन लगा के ये दोनों क्या लिखे जाते हैं, नॉट इक्वल। सो इज लेस देन, एक वैल्यू ए इज लेस देन बी, ए की वैल्यू बी से लेस है, ए इज ग्रेटर देन बी, ए की वैल्यू बी से ग्रेटर है, लेस देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू। सो ये सारे ऑपरेटर इसी क्वेरी में लगाए गए हैं, वेयर सैलरी इज इक्वल टू 10,000, यानी जिसको इम्प्लाई जिसकी सैलरी 10,000 है, जिनकी सैलरी 20,000 नहीं है, जिनकी सैलरी 30,000 नहीं है, जिसकी सैलरी 40,000 से ज़्यादा है, जिसकी सैलरी 50,000 से कम है, जिसकी सैलरी 60,000 के बराबर है या 60,000 से ज़्यादा है, या जिसकी सैलरी 70,000 है या उससे कम है। सो ग्रेटर देन आर इक्वल टू को हम इस तरह भी पढ़ सकते हैं कि जिसकी सैलरी कम से कम 60,000 हो, कम से कम क्या हो, शो मी ऑल एम्प्लॉइज हूज सैलरी इज एट लीस्ट 60,000, इसलिए इसका मतलब होता है कम से कम। तो कम से कम का मतलब होता है ग्रेटर देन आर इक्वल टू ऑपरेटर के इस्तेमाल होता है। सो दूसरी कॉलम क्या बोलते हैं, सैलरी इज लेस देन आर इक्वल टू 70,000, इसका मतलब हुआ कि जिसकी सैलरी 70,000 हो या इससे नीचे हो, तो उसको हम इस तरह पढ़ते हैं शो ऑल एम्प्लॉइज हूज सैलरी इज मैक्स, हूज सैलरी इज मैक्सिमम 70,000, एट मोस्ट 70,000, ठीक है, जिनकी मैक्सिमम 70,000 सैलरी, शो एम्प्लॉइज हु आर ड्रॉइंग सैलरीज अप टू 70,000, आप अप टू भी कह सकते हैं। अच्छा, वेयर कंडीशन में कंडीशन जो होते हैं क्लास में जो कंडीशन होती है वो एक से ज़्यादा भी आप लगा सकते हैं, कभी हमें एक से ज़्यादा कंडीशन लगा सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि हमें वो स्टूडेंट दिखाएं जिसका तालिक या पिशावर से हो या इस्लामाबाद, यानी हमें पिशावर इस्लामाबाद वाले स्टूडेंट की लिस्ट दिखाएं। सो सेलेक्ट स्टूडेंट फ्राम सेलेक्ट स्टडी फ्राम स्टूडेंट वेयर सिटी इज इक्वल टू पिशावर और सिटी इज इक्वल टू इस्लामाबाद। सो दिस इज ये कंडीशन है, ये भी कंडीशन, ये कंडीशन पेशावर के स्टूडेंट चेक करता है, ये कंडीशन इस्लामाबाद के स्टूडेंट को चेक करता है, उनके दरमियान और है, इनमें से कोई एक हो, कोई भी एक ट्रू हो जाए, ठीक, तो उसके रिकॉर्ड लेके आते हैं, इसको कहते हैं और को हम बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। इन दोनों का रिजल्ट ट्रू आता है जब इनमें से कोई कंडीशन, एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है। दूसरी क्या चीज़ होती है लॉजिकल ऑपरेटर, हम उसको कहते हैं एंड। अब एंड की जरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, शो ऑल स्टूडेंट्स, मुझे तमाम स्टूडेंट बताएं कौन से स्टूडेंट, आप बी सी एस पर गया, मुझे सिर्फ और सिर्फ बी सी एस के स्टूडेंट दिखाएं, मगर वो बी सी एस वाले जो कि इनरोल्ड हो फोर्थ सेमेस्टर में। तो हम क्या कहते हैं, सेलेक्टिंग फ्रॉम स्टूडेंट वेयर प्रोग्राम इज इक्वल टू बी सी एस, अब ये तो आपको बी सी एस के स्टूडेंट दिखा देगा, एंड और बी सी एस वालों के साथ साथ क्या होना चाहिए,
सेमेस्टर इज इक्वल टू फोर, उसका सेमेस्टर भी चौथा होना चाहिए। सो वो स्टूडेंट जिसका सेमेस्टर, जिसका प्रोग्राम BCS है, सेमेस्टर फोर है, तो उनका रिकॉर्ड रिट्रीव हो जाएगा। अगर ये BCS है, अगर इनका सेमेस्टर फोर नहीं है, या सेमेस्टर फोर से प्रोग्राम BCS नहीं है, यानी इनमें से कोई एक कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है, तो वो रिकॉर्ड रिट्रीव नहीं होगा, दोनों का कंडीशन का ट्रू होना मस्ट है। रेंज ऑपरेटर, रेंज सर कंडीशन, तो रेंज की कंडीशन को चलाने के लिए क्या करते हैं आप, बिटवीन ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं, और नॉट बिटवीन उसका एंटी हो जाता है, ठीक है, इनके दरमियान ना, ये रेंज को जाहिर करता है। लिस्ट ऑल स्टाफ हैविंग सैलरीज बिटवीन 20,000 एंड 30,000, ये तमाम स्टाफ मेंबर्स बताएं जिनकी सैलरी 20,000 से लेकर 30,000 के दरमियान में हो, इसके रेंज में हो, यानी 20,000 से लेकर 30,000 के रेंज में जिन एम्प्लॉय की सैलरी हो वो मुझे दिखाएं। सो सेलेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम स्टाफ वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 20,000, यानी 20,000 के बराबर हो या 20,000 से ज़्यादा हो, एंड सैलरी इज लेस देन आर इक्वल टू 30,000, 30,000 के बराबर या उससे कम, 20,000 के बराबर या उससे ज्यादा, इसका मतलब 20,000 और 30,000 के दरमियान हो। क्लियर हुआ? अच्छा, अब इसको हम बिटवीन ऑपरेटर इस्तेमाल करके इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे हमने कंपाउंड स्टेटमेंट इस्तेमाल करा कंडीशन वन कंडीशन टू के थ्रू। अब अगर हम इन दोनों कंडीशन को मिलाकर एक बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें बिटवीन ऑपरेटर इस्तेमाल करना पड़ता है। सेलेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम स्टाफ वेयर सैलरी बिटवीन 20,000 एंड 30,000। सो बिटवीन ऑपरेटर है, 20,000 उसकी मिनिमम या लोअर लिमिट है, एंड उसके साथ कीवर्ड है, एंड उसके बाद क्या है, 30,000 जो है उसके अपर लिमिट और मैक्सिमम लिमिट है, मिनिमम लिमिट एंड मैक्सिमम वैल्यू उनके दरमियान में आता है, एंड और ऑपरेटर का क्या नाम है, बिटवीन। तो बिटवीन और एंड कीवर्ड है, मिनिमम एंड मैक्सिमम हमें वैल्यू देनी पड़ती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। आप इसको उल्टा नहीं कर सकते, दोनों क्वेरीज का रिजल्ट सेम आता है, राइट। लिस्ट ऑल स्टाफ हैविंग सैलरीज लेस देन 20,000 एंड ग्रेटर देन 30,000, या लिस्ट ऑल स्टाफ मेंबर्स हैविंग सैलरी नॉट बिटवीन 20,000 एंड 30,000, मुझे वो इम्प्लाई दिखा है जिनकी सैलरी 20 और 30 के दरमियान ना हो, यानी 20 से कम हो 30 से ज़्यादा हो, तो हमें क्या करना पड़ता है, ऊपर वाले क्वेरी 20 और 30 के दरमियान बता रही है, सो नॉट बिटवीन से पहले नॉट लगाने से क्वेरी अलर्ट हो जाती है, यानी अब आपको 20 और 30 के दरमियान वैल्यूज नहीं शो करेगा, बाकी सारे शो करेगा। सेट मेंबरशिप, अब सेट मेंबरशिप सर कंडीशन किस चीज़ को बोलते हैं, कि आपने अ सेट ऑफ वैल्यूज को यूज करके, उसको सर्च करके, को आपने उसे कोई कॉलम की वैल्यू को कैसे सर्च करना है, उनके लिए जो ऑपरेटर इस्तेमाल होता है उसको हम कहते हैं इन ऑपरेटर, और नॉट उसके साथ लगा जाते हैं तो नॉट इन। सो लिस्ट ऑल मैनेजर्स एंड सुपरवाइजर, मुझे तमाम इम्प्लाईज दिखाएं जो मैनेजर्स हैं और सुपरवाइजर हैं। सो मैनेजर और सुपरवाइजर क्या है, उसकी डिजिग्नेशन है। सेलेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम स्टाफ वेयर पोजीशन, यानी उसकी डिजिग्नेशन जो है इन, इसके दरमियान में हो, वेयर पोजीशन इन सेट ऑफ वैल्यूज, सेट ऑफ वैल्यू क्या है, मैनेजर और कॉमा सुपरवाइजर, यानी जो कि कोई भी स्टाफ मेंबर जिसकी पोजीशन या तो मैनेजर हो या सुपरवाइजर हो तो मुझे सारे दिखा दें। सो पैरेंथेसिस में जब चीज़ आप इनक्लोज कर लेते हैं तो सेट हो जाता है, और सेट के साथ आप इक्वल साइन वगैरह इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसके लिए इन ऑपरेटर इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये मल्टीपल ऑपरेटर होते हैं, मल्टीपल वैल्यूज होती हैं। इसी को अगर हम दूसरे अल्फाज में कहें तो इसका मतलब ये बनेगा, लिस्ट ऑल एम्प्लॉइज और स्टाफ मेंबर्स हु आर आइदर मैनेजर्स और सुपरवाइजर। सो सेलेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम स्टाफ वेयर पोजीशन इज इक्वल टू मैनेजर और पोजीशन इज इक्वल टू सुपरवाइजर, या मैनेजर हो या उसकी पोजीशन सुपरवाइजर हो। सो इनको जब आप इस तरह सिंपल कंडीशन में कन्वर्ट करते हैं तो उसके हर कंडीशन के लिए आपको क्या लगाना पड़ता है, और लॉजिकल ऑपरेटर लगाना पड़ता है। इन दोनों क्वेरीज का रिजल्ट सेम आता है। अब आपके लिए टास्क ये है, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं कि आप इन दोनों की क्वेरीज लिख रहे हैं, शो ऑल एम्प्लॉइज एक्सेप्ट मैनेजर्स एंड सुपरवाइजर, सुपरवाइजर और मैनेजर के अलावा तमाम एम्प्लॉइज मुझे दिखाएं, या लिस्ट ऑल एम्प्लॉइज हु आर नाइदर मैनेजर्स नॉर सुपरवाइजर, मुझे वो तमाम एम्प्लॉइज दिखाएं जो कि ना तो मैनेजर हैं और ना सुपरवाइजर हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमने मज़ीद फिल्टरिंग जो कंडीशंस हैं स्ट्रिंग और डेट वाली,
पैटर्न मैचिंग इन द सर्च वाली, उसको हम सर्च करेंगे। चैप्टर नंबर 6 एसक्यूएल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन चैप्टर में आपने डेटाबेस सिस्टम के बुक में इस चैप्टर में जाके फिर से समझिए जी डिटेल्स और एग्जांपल देखनी है। थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू सो मच, बट डोंट गेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एमजीक्यू। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।